हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा और मैं आप सभी के लिए गार्गी क्लासेस पे आर एस आर पी एस सी 2021 इकोनॉमी के सिलेबस को कवर कर रहा हूँ। अब तक के वीडियोस में हमने मोस्ट ऑफ द जो इंडियन इकोनॉमी का पोर्शन है उसे कवर कर लिया है और रेस्ट जो बचा है वो हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस सीरीज़ को आप पेशेंसफुली देखें। इस सीरीज़ में हम बेसिकली सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये जो वीडियो है वो सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के ऊपर होने वाला है। इंडियन इकोनॉमी कितने तरह के सेक्टर होते हैं और उन सेक्टर का क्लासिफिकेशन किस क्राइटेरिया के बेसिस पे हुआ है, क्या स्पेसिफिकेशन रही है उन सेक्टर्स की, ये सब इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, इकोनॉमिक सेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, व्हाइल सेक्टर्स आर द ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। देखो, सबसे पहले तो इकोनॉमिक सेक्टर को पढ़ने से पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो अर्निंग ऑफ मनी से रिलेटेड है, मनी अर्न करने से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी उन्हें कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर हम उसे एडवांस फॉर्म में पढ़ें, मतलब उससे थोड़ा सा एडवांस अगर डेफिनेशन हम जाएं तो क्या है। तो देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, मतलब गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, उनके कंजम्पशन से रिलेटेड, उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है, राइट। उन एक्टिविटीज़ जो एक्टिविटीज़ गुड्स सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्लियर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्लियर हो गई हमें, ठीक है। लेकिन जब हम इन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रुप वाइज क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है, ग्रुप वाइज हम एग्रीकल्चर को या फिर कोई और एक्टिविटीज़ है, टेलीकम्युनिकेशन को, ट्रांसपोर्ट को, इनको एक ग्रुप में ला दिया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज होगी, इनको एक अलग ग्रुप में बना दिया। तो जब हम इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं तो वहाँ पर इकोनॉमिक सेक्टर्स बन जाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन इकोनॉमी कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, वर्किंग कंडीशन एंड द नेचर ऑफ एक्टिविटी। इंडियन इकोनॉमी में जो क्लासिफाई किए गए हैं इकोनॉमिक सेक्टर को, इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक सेक्टर क्लासिफाई किए गए हैं उनका बेसिस रहा है एक तो ऑनरशिप की, किस तरह की ऑनरशिप है उनमें, प्राइवेट ऑनरशिप है, पब्लिक ऑनरशिप है, मतलब इंडिविजुअल का राइट है या ग्रुप ऑफ पीपल्स का राइट है, राइट, ठीक है। इसके बाद में वर्किंग कंडीशन, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वर्किंग कंडीशन क्या है। वर्किंग कंडीशन मतलब वो एक रेगुलर इंटरवेल में हो रहा है, टाइम टू टाइम वो वर्क हो रहा है, मतलब फिक्स इंटरवेल हो रहा है उस काम का, या फिर ऐसा कि जिसका कोई टाइम नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपको जब काम मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, ठीक है ऐसा। इसके बाद में नेचर ऑफ द एक्टिविटीज, एक्टिविटीज़ किस तरह की हैं, ठीक है, वो किस तरह से काम करती हैं, नॉलेजबल कैसी है, इन सब के बेसिस पे इकोनॉमिक सेक्टर को क्लासिफाई किया गया है। और हम पढ़ें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर हम मतलब इकोनॉमिक सेक्टर के अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखो, जितनी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो सारी, अगर पिछले सिविलाइजेशन अर्लियर सिविलाइजेशन की बात करें तो उसमें जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी उसे प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर कर दिया गया था, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दी है, बाकी इसके इतिहास के बारे में मतलब इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लेकर पहले क्या रिव्यूज़ थे, पहले क्या व्यूज़ थे, किस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर्स को देखा जाता था वो मैं बता देता हूँ। तो देखो, पहले क्या होता था, अर्लियर सिविलाइजेशन में जितनी भी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो प्राइमरी सेक्टर्स में आती थी, ठीक है। आफ्टर इनके बाद में जब लोगों को और चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी, मतलब प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे फूड हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, मतलब नेचर से, नेचुरल सोर्सेज से जो हम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं वो चीज़ें प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाती हैं। तो जब इनके अलावा हम लोगों को और चीज़ों की ज़रूरत पड़ी पड़ी, हमारी वॉन्ट्स जब इंक्रीज होने लगी, तब एक नया सेक्टर का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और उस सेक्टर को कहेंगे हम सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। देन जो सेकेंडरी सेक्टर है, बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर मतलब हो गया कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फ्रांस में और यूरोप में जब ये स्टार्ट हुआ था तब इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तरीके से, मतलब बहुत ही रैपिड फॉर्म में इसका ग्रोथ हुआ था। ठीक है, अब जब हमने ये इस चीज़ का ग्रोथ हो रहा था, हमारी सेकेंडरी जो सेक्टर है उसका ग्रोथ हो रहा था, तो उसके अंदर एक सपोर्ट सिस्टम लाया गया, मतलब उसको सपोर्ट करते हुए एक नया सेक्टर उभरता आया। मतलब जैसे कि सामान है, कुछ गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फाइनेंस वगैरह करना, मतलब पैसा लगाना, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा, सर्विस प्रोवाइड होने लगी। ठीक है, तो जब सर्विस प्रोवाइड होने लगी तो एक नया सेक्टर उभर के आया जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इकोनॉमिक सेक्टर का इतिहास, जो भी इसका मीनिंग है, डेफिनेशन, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर्स को हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। मैंने स्टार्टिंग बताया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, एक्टिविटीज़ के बेसिस पे, किस तरह के नेचर की एक्टिविटी, मतलब उन एक्टिविटीज़ का नेचर क्या है, उन भी के बेसिस पे जो इकोनॉमिक सेक्टर है वो 5 तरह से हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर। जो स्टार्टिंग के जो तीन सेक्टर हैं वो आप बचपन से पढ़ते आए हो, 6th क्लास से जब भी आपने SST पढ़ी होगी तब ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर आपके पास आ गए होंगे, तो आप इसे अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की और कोशिश करूँगा। इसके बाद में आता है क्वेंटनरी सेक्टर और क्वेनरी सेक्टर। ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, वर्क कंडीशन के बेसिस पे ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, इसके बाद में बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेसिस पे देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर है और हमारे पास एक है प्राइवेट सेक्टर। क्लियर, सबसे पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और एक्टिविटीज, नेचर एक्टिविटीज की नेचर के बेसिस पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या है, देखो, इन प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाय द डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, मैंने जब आपको फर्स्ट स्लाइड में जब ये बता रहा था कि इस प्राइमरी सेक्टर किस तरह का है, मतलब पहले अर्लियर सिविलाइजेशन में जितनी भी तरह की एक्टिविटी होती थी वो प्राइमरी सेक्टर, तो मैंने बताया था कि जो भी प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज होता है, नेचुरली हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। वही चीज़ यहाँ पे है कि प्राइमरी सेक्टर में ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज आर अंडरटेकन बाई डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली यूज़ में लेते हुए जो एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करते हैं वो सारी हमारी प्राइमरी सेक्टर्स में आती है। तो ये एक तरह का स्पेशल क्राइटेरिया हो गया, स्पेशल स्पेसिफिकेशंस हो गई, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज के बिहाफ पर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे हम इकोनॉमी में वो हम प्राइमरी सेक्टर में इंक्लूड कर देंगे, चाहे वो फिशिंग हो, फार्मिंग हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, ये सब नेचर का पार्ट है, तो उनसे जो चीज़ हो रही है वो हम काय में डाल देंगे प्राइमरी सेक्टर। इट फॉर्म द बेस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने बताया आपको कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन, अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन को और ज़्यादा नीड्स की जरूरत होनी पड़ी, उनकी डिजायर्स बढ़ने लगी, तो एक नया सेक्टर उभर के आने लगा, तो उस सेक्टर को हमने कहा सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करते थे वो सारी हम प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बेसिस पे करते हैं। तो क्या, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ ऑल अदर प्रोडक्ट, मतलब जितने भी और प्रोडक्ट बनाएंगे उनका जो बेस होगा वो प्राइमरी सेक्टर होगा। क्लियर, आगे बढ़ता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। अब इसे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी इसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं वो नेचुरल होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल होने की वजह से हमने इसे, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, डेयरी, फॉरेस्ट्री, फिशिंग एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, तो इस वजह से इसे हम एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे, पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड रेड कॉलर वर्क। ये याद रखने वाली चीज है, जो लोग प्राइमरी एक्टिविटीज को, जो पर्सन प्राइमरी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वो रेड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। रेड कॉलर वर्कर्स क्यों, क्योंकि इनका जो ये क्या है, आउटडोर नेचर ऑफ देयर वर्क, उनका जो वर्क का जो नेचर है वो आउटडोर है, बाहर है। ठीक है, तो रेड मतलब देखो हम इसे याद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो डेंजर होता है, बाहर घर से बाहर, घर पे हम क्या है, सेफ है, राइट, और घर के बाहर हम क्या होते हैं, थोड़े से अनसेफ होते हैं। ठीक है,
अनसेफ मतलब डेंजर, और डेंजर का कलर क्या होता है? रेड। इस वजह से ये क्या हो गया, रेड कॉलर वर्कर्स। ये एक ट्रिक है आप इसे याद रखने की, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सेक्टर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इट इंक्लूड्स द इंडस्ट्रीज वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट आर मेड फ्रॉम द नेचुरल मटेरियल प्रोड्यूस इन द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, इसमें हम इंडस्ट्रीज को इंक्लूड करते हैं बेसिकली। मतलब इसे कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर इक्वल्स टू सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, सो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के बाद में जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट को उठाकर हम इंडस्ट्री में लेके आए और वहाँ पर हमने उनसे फिनिश गुड बनाया। फिनिश गुड जैसे मिल्क से हमने उसे यूज़ किया, उसे पनीर बना दिया, वो फिनिश गुड हो गया। ठीक है, फिर अब इसे और भी आगे यूज़ करेंगे तो वो एक अलग अलग सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यही है कि प्राइमरी सेक्टर के जो गुड्स हैं जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको यूज़ करके हम जब उन्हें फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारा सेकेंडरी सेक्टर में की एक्टिविटीज में इंक्लूड होता है। सिंपली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाना जो एक्टिविटी है, ये जो एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करेंगे। चलो क्लियर। इट इज़ द पार्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी दैट मैन्युफैक्चर द गुड। ये क्या है, ये कंट्री इकोनॉमी का वो पार्ट है, मतलब इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसके अंदर हम मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स का मैन्युफैक्चर करते हैं रैदर देन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल। ठीक है, इस सेक्टर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है उनसे फिनिश गुड बन रहे हैं। फिनिश गुड मतलब जिनको अब डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे, इनका और कोई यूज नहीं, मतलब उनको फर्दर हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कंट्री इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसमें गुड्स का मैन्युफैक्चर होता है, मतलब फाइनल गुड्स तैयार किए जाते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों कहते हैं, फर्स्ट वाले पॉइंट में क्लियर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोड्यूस्ड है, जो प्रोड्यूस आइटम्स हैं, जो कैटेगरी कॉमोडिटीज प्रोड्यूस हुई हैं, रॉ मटेरियल जिसे हम कहेंगे, वो उठाएंगे हम इंडस्ट्रियल में लेके जाएंगे, उनसे फिनिश गुड प्रोवाइड करेंगे। अब इंडस्ट्रीज में लेके जा रहा है, सारा काम इंडस्ट्रीज में हो रहा है, तो इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहेंगे। वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को अलाइड या एग्रीकल्चर सेक्टर कहते थे, क्योंकि ज़्यादा काम क्या होता है, नेचर से रिलेटेड होता था। आइए बढ़ते हैं। पीपल एंगेज इन सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कॉल्ड ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है, जो लोग सेकेंडरी सेक्टर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं वो ब्लू कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लू कॉलर से आप ऐसे समझ लो कि थोड़ा सा मतलब सेफ होता है ये। ठीक है, आप कह सकते हो याद रखने के लिए, ब्लू कॉलर वर्कर्स उन वर्कर्स को कहेंगे जो रेड कॉलर वर्कर्स से नीचे डेंजर, मतलब उनसे उनके अंदर डेंजर तो होता है लेकिन वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, याद रखने के लिए ये सब कुछ ये ट्रिक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो याद करने के लिए। इसके अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के एग्जांपल हम देखें तो क्या हो सकता है, जैसे फूड प्रोडक्शन हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गई, ऐसी मिल्स हो गई जो टेक्सटाइल मतलब कपड़े वगैरह बनाती है ऐसी मिल्स, और आर्टिस्टियन प्रोडक्शन मतलब कलाकृति जैसे कि आर्ट वर्क हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गमले वगैरह इनमें इंक्लूड होते हैं, तो मतलब घर को डिज़ाइन करने के लिए वो सब चीज़ें, तो इनसे क्या हो रहा है, फाइनल गुड्स तैयार हो रहा है, उनको फर्दर हम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। सो क्लियर, सेकेंडरी सेक्टर भी हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले सेक्टर के ऊपर, टेरिटरी सेक्टर जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, अर्लियर सिविलाइजेशन में जब लोगों को और उनकी जब नीड्स बढ़ने लगी तो उनके साथ में उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट उन्होंने प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर इनसे बनाया, उनसे उन्होंने कुछ गुड्स बनाना तैयार किया। ठीक है, उनसे जब उन्होंने गुड्स बनाना तैयार किया तो वो सेकेंडरी सेक्टर का जन्म हो गया, और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट सिस्टम दिया गया। सपोर्ट सिस्टम मतलब उसको सपोर्ट करने के, उसको डेवलप करने के लिए एक नया सिस्टम उभर के आया जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। इसमें जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक फिनेंस हो गया, किसी को फिनेंस करना, ठीक है, ये सब। तो उस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने के में हेल्प की। चलो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन टेरिटरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड्स
बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट सिस्टम मिला, उसे हम सर्विस सेक्टर कहेंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी टेरिटरी सेक्टर के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उनसे किसी भी तरह का गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये प्रोडक्शन के प्रोसेस को हेल्प करती है, उसको इंक्रीज करने में, उसको डेवलप करने में, प्रोडक्शन के प्रोसेस को परफॉर्म करने में जो सेक्टर हेल्प किया करता है वो टेरिटरी सेक्टर्स में आता है। ठीक है, इट प्रोवाइड द वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट एज सेम एज सेकेंडरी सेक्टर। ठीक हो, इससे भी सेकेंड प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एडिड होती है उनकी, उसकी ऐसे बोलते हैं यूटिलिटी इंक्रीज हो गई, उसके अंदर प्राइसेस इंक्रीज हो गया। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट होते हैं वो चीप होते हैं किससे, सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट। ठीक है, उस सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट को मतलब एक्सपेंसिव बनाने में टेरिटरी सेक्टर का भी हाथ होता है। ठीक है, दिस सेक्टर जॉब आर कॉल्ड वाइट कॉलर जॉब। इस सेक्टर के जो जॉब होते हैं वो वाइट कॉलर जॉब होते हैं। वाइट कॉलर जॉब मतलब शांति से करने वाले काम है। ठीक है, ना कोई खतरा है, एकदम पीसफुली ये काम किए जाते हैं। तो इसी सेक्टर में जो लोग काम करते हैं वो वाइट कॉलर सेक्टर जॉब के उसमें आते हैं। टेरिटरी सेक्टर्स के एग्जांपल जैसे ट्रक्स या ट्रेन से हम कोई गुड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये लेकिन फिर भी उस ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मतलब एक सामान को दूसरे सामान पर जगह ले जाने जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाया जा रहा है, वो भी किसी ट्रेन या बर्क मतलब किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल से, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आएगा वो क्या उस प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड होगा, होगा। और मैंने ऊपर क्या बताया कि ये क्या करते हैं, ये गुड्स की या प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड मतलब इसके अंदर वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, मतलब उनकी प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं, राइट। इसके बाद में बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस फाइनेंस हो गया। सिंपली देखा जाए तो ऐसे सेक्टर जो सर्विस रेंडर करते हैं वो सारे हमारे टेरिटरी सेक्टर में आ जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे आता है एक नया सेक्टर, नया एक्टिविटीज़ जिसे हम कहते हैं क्वेटरनरी एक्टिविटी। ये क्या आता है, क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ वेयर द टास्क इज टू थिंक रिसर्च डेवलप आइडियाज। अब देखो इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, जिसके अंदर हम किसी आइडिया को सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी और उसे डेवलप करना पड़ेगा। मतलब ये पूरा जो काम है, ये पूरा जो काम है वो क्या है, नॉलेज से पूरा नॉलेजेबल काम है। मतलब आपको इंटेलेक्चुअली वर्क करना पड़ेगा, मतलब अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी फिजिकल काम नहीं हो रहा है, अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, अपने दिमाग की सर्विस देनी पड़ेगी, समझ गया, यहाँ पे ये हो गया। तो इस सेक्टर के अंदर इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, इकोनॉमी का जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है, मतलब जहाँ पर हमें मस्तिष्क से दिमाग से काम लेना होगा। इकोनॉमी में ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे दिमाग से काम लेना है, वो जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो इसी सेक्टर में आएगी। ठीक है, इट प्रोसेस, ये क्या करता है, इस एक एग्जाम्पल ले तो अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में समझें तो एक एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर को अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, ठीक है, तो उसे क्या करना होगा, इनोवेशन करना पड़ेगा, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इम्प्रूव करने क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मतलब वहाँ पे उसे अपना दिमाग खपाना पड़ेगा, और जहाँ पे दिमाग खपा रहा है पूरा आदमी, सर्विस भी किसकी वजह से दे रहा है, दिमाग खपाने की वजह से, तो वो चीज़ें किस में आ जाएगी, इस वाली एक्टिविटीज़ में आ जाएगी। ठीक है, कन्फाइंड टू रिसर्च ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। देखो ट्रेनिंग हो गया, एजुकेशन मतलब देखो इसका एग्जाम्पल देखें हम तो एलिमेंट्री स्कूल, स्कूल्स हो गई, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, वहाँ पर क्या करना है, सर्विस तो रेंडर कर रहे हैं, दिमाग खपाना पड़ रहा है। लेकिन वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वहाँ पर हमें दिमाग नहीं खपाना, हमें व्हीकल चलाना है, तो वहाँ पर फिजिकल वर्क ज़्यादा है लेकिन मेंटल वर्क कम है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती है, जहाँ पर हमें जो ऐसी मतलब टेरिटरी सेक्टर का एक ऐसा पार्ट जिसे हमें स्पेशली क्लासिफाई करना पड़ा क्योंकि उसमें नॉलेज का बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। ठीक है, तो टेरिटरी सेक्टर में भी देखो सर्विस दो तरह से प्रोवाइड की जा रही है, एक तो मेंटल सर्विस हो गई, एक हो गई फिजिकल सर्विस। तो जो मेंटल सर्विसेज हो गई वो सारी क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाएगी। सिंपल, क्लियर हो गया क्वेटरनरी एक्टिविटीज़ क्या होती। आगे बढ़ते हैं,
यूनरी एक्टिविटीज क्या होती है? यूनरी एक्टिविटीज बताती हैं, यूनरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व वर्क रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो वर्क होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो यूनरी एक्टिविटीज में आती है। अब यूनरी एक्टिविटीज में देखो, हमने यहाँ पे कहा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मतलब देश में सबसे बड़ा काम क्या होता है, देश को संभालना, ठीक है। अब देश को संभाला जा रहा है तो लेजिस्लेशन मतलब डिसीजन लेना, ठीक है, टॉप लेवल डिसीजन बनाना, मतलब किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जो टॉप लेवल के जो डिसीजन बनाए जाते हैं वो क्यूनरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है। जैसे मैनेजमेंट, एक कंपनी का मैनेजमेंट करना कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, क्यूनरी एक्टिविटीज़ होगी, राइट। हम सिंपली इसे ये कह सकते हैं कि ये जो दो सेक्टर हैं यूनरी और हमारे क्वेंटिनरी, वो सारे हमारे सर्विस सेक्टर की पार्ट है, लेकिन सर्विस सेक्टर में भी अलग अलग तरह की सर्विस होने लगी तो हमें उन्हें क्लासीफाई कर दिया यूनरी एक्टिविटीज़ में और एक क्वेंटिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है। यूनरी एक्टिविटीज़ क्या, जहाँ पर टॉप लेवल मतलब मैनेजमेंट लेवल का काम हो रहा है वो यूनरी एक्टिविटीज़ में आ गई। क्वेंटिनरी एक्टिविटीज़ जहाँ पर क्या, नॉलेज से रिलेटेड काम तो है लेकिन वो यूनरी एक्टिविटीज से थोड़ा कम है, समझ गए। कन्फाइंड टू हाईएस्ट लेवल डिसीजन टेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, मतलब इसमें क्या होगा, हाईएस्ट लेवल के जो डिसीजन, मतलब जो डिसीजन एक्चुअल में मैटर्स करते हैं, जिनके इम्प्लीमेंट होने पर बहुत कुछ चेंज हो सकता है, मतलब बहुत कुछ चेंज आ सकता है उनके इम्प्लीमेंटेशन से, वो जो काम है वो यूनरी एक्टिविटीज में आता है। क्लियर हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी हमने जितने भी सेक्टर हैं उनके ऊपर बात की है। आगे बढ़ते हैं तो आता है ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन के बेसिस पे हमने दो सेक्टर पढ़े, मतलब हमने देखा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, देखो इन दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स आर फिक्स्ड एंड रेगुलर एंड एम्प्लॉयज गेट अश्योर्ड वर्क एंड सोशल सिक्योरिटी। देखो इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, इस सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है, जो बंदे को काम करना है वो एक फिक्स टाइम के लिए होगा, रेगुलरली होगा, मतलब रेगुलर मतलब उसे जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब वो एक तरह से अश्योर्ड है कि हाँ मुझे ये काम करना है। अब देखो सिंपली और इसे इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसी एक्टिविटीज, ऐसे एंटरप्राइजेस के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करना जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मतलब वहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं, तो वो क्योंकि ऑर्गेनाइज उन सेक्टर में जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएगी। जैसे ICICI बैंक ये, या फिर कोई और बैंक जो प्राइवेट बैंक तो है, ठीक है, लेकिन वो गवर्नमेंट का नहीं है, मतलब गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मतलब RBI का उस पर ऊपर हाथ है, RBI के रूल्स रेगुलेशन के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, लेकिन RBI की वहाँ पे ऑनरशिप नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है, उसमें वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर लोग जब काम करेंगे तो उससे वो एक फिक्स टाइम के लिए होगा, मतलब फिक्स्ड टर्म, मतलब सुबह 5 से लेके शाम को, सॉरी सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक का काम करना होगा, मतलब फिक्स टाइम है। तो वो जो काम है वो जिस ऑर्गेनाइज सेक्टर का काम हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो ऐसी कंपनीज के लिए हम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है लेकिन गवर्नमेंट का उनके ऊपर राइट नहीं है। तो यही चीज ऑर्गेनाइज सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को अलग करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि आगे जब मैं पब्लिक सेक्टर पढ़ाऊंगा तो आपको वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है ऑर्गेनाइज सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में बेसिकली क्या डिफरेंस है। इट कैन ऑल्सो डिफाइन एज अ सेक्टर विच इज रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड अ नंबर ऑफ एक्ट्स अप्लाइड टू द एंटरप्राइजेस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स आर कवर्ड अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। स्कूल्स में या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर आती है, मतलब यहाँ पे एक फिक्स टाइम पे आपको काम करना होगा। अगर आप देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, मतलब कोई ज़्यादा काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको पे ज़्यादा किया जाएगा, राइट। तो ये एक तरह से हम बोलेंगे प्रोफेशनल वर्क हो गया, ठीक है। प्रोफेशनल वर्क जिस प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो कहेंगे हम ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज से आप समझिए मतलब ऑर्गेनाइजली जितना ऑर्गेनाइज होकर काम करेगा, एकदम एक प्रॉपर मैनर में काम किया जाएगा, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटीज हो जाएगी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्क एन अनऑर्गेनाइज वर्कर इज अ होम बेस्ड वर्कर और अ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और अ वेज वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखो
ये चीज तो बाद में की है, सबसे पहले तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है वो देखते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन एप्लीकेबल हो रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसका जस्ट अपोजिट, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है, ना कोई आने का टाइम है, ना जाने का टाइम है, ना कुछ खाने का टाइम है, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है। साथ ही में वहाँ पे कोई गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है कि आपको पेंशन वगैरह मिलेगी या फिर और कोई PF वगैरह ऐसी कोई सर्विस मिलेगी, और जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। सो ये सर ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसका जस्ट अपोजिट हमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर को इमेजिन करना है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वर्कर क्या होता है? अनऑर्गेनाइज वर्कर मतलब होम बेस्ड वर्कर हो गए, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर हो गए जिनको काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वेजेस वर्कर हो गए, जो वेजेस मतलब जो हमारे आप देखोगे आप घर बनवाओगे तो वहाँ पे आपको लोग लेके आने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो जो क्या होंगे वो वेजेस लेंगे, ठीक है, राइट। तो ऐसे काम जो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हो रहे हैं, कोई उनका प्रॉपर पैटर्न नहीं है, जहाँ पे कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, वो सारा क्या हो जाएगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर की एक्टिविटीज, मतलब उन एक्टिविटी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम इंक्लूड करेंगे। द सेक्टर इज मार्क्ड बाय लो इनकम, ठीक है, इस सेक्टर के अंदर इनकम लो होती है, मतलब इसकी एक क्राइटेरिया, स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, आप उसे अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि ये कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है, तो मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें लो इनकम्स होती है, अनस्टेबल एंड इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट। अनस्टेबल मतलब जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे टाइम पीरियड देखिए, हाँ आपको वर्क जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, इरेगुलर एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। लैक ऑफ प्रोटेक्शन आइदर फ्रॉम लेजिस्लेशन और ट्रेड यूनियन, लेजिस्लेशन मतलब सरकार की तरफ से या फिर ट्रेड यूनियन जो बनी हुई थी उनके तरफ से आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, ठीक है। बट द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द नेशनल इनकम इज वेरी सबस्टेशनल एज कंपेयर टू द डेट ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। लेकिन हमारी इकोनॉमी के अंदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो बहुत ही सबस्टेशनल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किससे? ऑर्गेनाइज सेक्टर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? इंडिया के अंदर लेबर फोर्स, वर्क फोर्स तो बहुत ज़्यादा है लेकिन स्किल्ड लेबर बहुत कम है। तो लेकिन स्किल्ड लेबर कम है तो क्या वो लोग खाएंगे नहीं, पियेंगे नहीं, काम कुछ नहीं करेंगे? करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे, लेकिन तो वहां पर क्या उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर उनका जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप समझ गए कि उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे वर्क फोर्स तो है लेकिन स्किल्ड वर्क फोर्स बहुत कम है, ठीक है। तो जब लेकिन स्किल्ड वर्क फोर्स वाले तो खाएंगे लेकिन उनके अलावा जो लेबर है वो भी खाएगी, उनको भी रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए रोटी दाल चाहिए, तो वो भी कुछ काम तो करेंगे। अब वो एक फॉर्म करो, एक सपोज करो 50 लोग स्किल्ड है, उसके सामने 1,000 लोग लेबर ऐसे हैं जो स्किल्ड नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो 1,000 लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 50%। सो ये हो गया, मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन हाई क्यों है मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ऑनरशिप के बेसिस पे जो सेक्टर डिवाइड किए गए, सबसे पहला है पब्लिक सेक्टर। इन द सेक्टर गवर्नमेंट ऑन मोस्ट ऑफ द असेट एंड इट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी कंसर्न विद प्रोवाइडिंग वेरियस गवर्नमेंट सर्विसेज। यस, ये गवर्नमेंट, ये सेक्टर है जिसके अंदर गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। हम यहाँ पे ऑनरशिप के बेसिस पे सेक्टर की बात करेंगे तो ऑनरशिप या तो गवर्नमेंट की हो सकती है, प्राइवेट की हो सकती है, ठीक है। और जो प्राइवेट की पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है। तो ये जो इकोनॉमी का जो पार्ट है वो बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। गवर्नमेंट सर्विसेज मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम हो रहा है, गवर्नमेंट एक्टिविटीज से रिलेटेड जो काम हो रहा है वो क्या हो गया? पब्लिक सेक्टर में आने लग गया, ठीक है। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसिस ऑन द सर्विसेज रेंडर, ठीक है। इस सेक्टर, ये जो सेक्टर जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ठीक है, क्या है? वेलफेयर करना, ठीक है। सो पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में बेसिक डिफरेंस क्या है कि पब्लिक सेक्टर तो किस एम से वर्क करता है? वेलफेयर, लोगों का जन कल्याण से, जन कल्याण के उद्देश्य से ये कार्य करता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर किससे? धन कल्याण से, मतलब धन अर्जित करने के लिए काम करता है, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। तो ये इसका डिफरेंस हो गया। गवर्नमेंट इसमें, अगर गवर्नमेंट क्या करती है, अपने सर्विसेज जो उसने रेंडर किए हैं उन उस
जो एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए टैक्सेस बढ़ा देती है, ड्यूटीज चार्ज करती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर आप जानते हैं क्या है, प्राइवेट सेक्टर जस्ट अपोजिट ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का काम होगा, उनका रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होंगे। इन द प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप ऑफ असेट्स एंड द डिलीवरी ऑफ सर्विसेज इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल और कंपनी। ठीक है, कोई भी जो असेट्स है उसके ऊपर या फिर जो सर्विसेज दी जा रही है उनके ऊपर एकमात्र एक लोग एक पर्सन का एक इंडिविजुअल का राइट होगा। ठीक है, एक्टिविटीज इन द सेक्टर प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव ऑफ अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने की मोटिव से इसमें काम किया जाता है। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कैप। इन सर्विसेज को अगर हमें यूज़ करना है, इनका फ़ायदा उठाना है, तो हमें उन कंपनीज जो कंपनी इन सर्विसेज को बना रही है, उन प्रोडक्ट को बना रही है, उनको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, जहाँ पर हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में मैंने इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स थे उनको समझाया है, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो के एंड में बस यही कहूँगा कि अच्छे से तैयारी करो, एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर कोई इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और थैंक यू सो मच फॉर वीडियो।